हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सब टॉपिक 10। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब टॉपिक 10, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं। अभी हमने पढ़ा इस लेसन में बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, और इनके अलावा भी कई और परंपराएं थी जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी आगे जाके दो इसकी वो होगी थी, दो इनकी कह सकते हैं हम, इनका विकास दो और ट्रेडिशंस में हो गया था। महायान महायान बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में महायान, महायान का विकास कैसे हुआ? बाय द फर्स्ट सेंचुरी सीई देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अवधारणाओं में और व्यवहार में बर्ताव नजर आने लगे, चेंजेस नजर आने लगे, इनमें बदलाव आने लगे, कई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं फर्स्ट सेंचुरी सीई में। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग गेव इम्पोर्टेंस टू द सेल्फ एफर्ट्स इन अचीविंग निर्वाणा। सबसे पहले जब बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उसमें क्या था कि जो सेल्फ एफर्ट्स, कि एक व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी कोशिश से निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। बुद्धा हिमसेल्फ वॉज रिगार्डेड एज ह्यूमन बींग हु अटेन्ड निर्वाणा थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। जैसे हम जानते हैं कि बुद्धा ने खुद हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप, वो भी एक ह्यूमन बीइंग थे, वो भी एक व्यक्ति थे, पुरुष थे, उन्होंने भी क्या किया, निर्वाण है अपने एफर्ट से पाया, अपने कोषों से पाया। AWT अटेंड, अटेंड उन्होंने अपनी कोशिश पर। जैसे हम जानते हैं कि एक बुद्ध के बौद्ध गया में एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान की भक्ति की और वहां पे उनको इनलाइटनमेंट हुई। तो उन्होंने अपने आप, अपनी कोशिश के साथ उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड। सेवियर मीन्स मुक्तिदाता, कि कोई और हमें मुक्ति दिला देगा, कोई और, ऐसा विचार धीरे धीरे ये विकास होने लगा। द कंसेप्ट ऑफ बुद्धि बुद्धिसत्ता ऑल्सो डेवलप्ड। बोधिसत्ता वॉज परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बींग्स, जो क्या थे, धीरे धीरे ये विचार लगे कि मुक्तिदाता कोई हमें, ऐसा विचार आया कि मुक्तिदाता कोई हमें मुक्ति दिला देगा। जबकि पहले बुद्धा का, जो बुद्धा का वो था, वो क्या था कि मुक्ति अपने सेल्फ एफर्ट से ली जा सकती है, पर धीरे धीरे ये विचार हो गया कि मुक्तिदाता हमें मुक्ति दिला सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता, बोधिसत्ता की जो एक भावना है, एक और जो विचार था वो भी सामने आने लगा कि लोग मुक्ति दिला सकते हैं। बुद्धिसत्ता वॉज परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बींग्स, कि एक ऐसे दयालु जो बुद्धिसत्ता होते हैं, बोधिसत्ता की धारणा थी जिसमें कि वो बहुत ही करुणा में जी माना गया हो। कैप्शन कंपैशनेट मीन्स करुणा में, जो दूसरों के ऊपर दया करता है, बोधिसत्ता को ऐसे माने जाने लगा। बोधिसत्ता कौन होते हैं, जो बुद्ध के भिक्षु थे, जो बुद्ध के भिक्षु और भिक्षुणी थे, बोधिसत्ता उनको बोधिसत्ता कहते थे, और वो बहुत ही करुणामय लोग होते थे। उनसे समझ जाते थे कि वो दूसरे लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। जो महायान ट्रेडिशन है इसकी, क्या इसमें क्या हुआ, बुद्ध और उसके बोधिसत्ता की, जो उसके चेले थे, जो उसके शिष्य थे, उनकी मूर्ति पूजा शुरू होगी। एक ऐसा भाग, ऐसी परंपरा शुरू होगी कि उनका, उनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायान। इस नए नए विचार को, इस नई परंपरा को क्या कहने लगे कि ये क्या है, महायान। और जो दूसरी है इसके इसके अगेंस्ट, जो बुद्ध का पहले वाला विचार था, जो बुद्ध का पहले वाला विचार था सेल्फ एफर्ट्स वाला, उसको क्या बोलते थे, हीन ज्ञान। हीन ज्ञान वॉज रिगार्डेड फॉलोअर्स ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन। तो ओल्ड ट्रेडिशन क्या थी कि एक व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट्स के साथ, अपने कोशिश के साथ निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जो नया विचार आया, क्योंकि मुक्तिदाता मुक्ति दिला सकता है, इसे महायान बोलते हैं। हीन ज्ञान मीन्स जो पहले वाली, जो महात्मा बुद्ध के वो समर्थक थे, उनको क्या बोलते थे, हीन ज्ञान अनुयायी बोलते थे। ये अनुयायी अपने आप को थेरवादी भी कहते थे। थेरवादी कौन थे, पहले मैंने एक बार बताया था, थेरीज कौन थे। थेरीज मीन्स वो रिस्पेक्टेड पीपल जिन्होंने अपने आप मुक्ति मुक्ति प्राप्त की हो, या उन्होंने अपने आप निवान प्राप्त करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया हो, जो अपने आप। तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डिज यू मीन बाय नेम टू ट्रेडिशंस इन द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की कौन दो दो ट्रेडिशंस है, महायान एंड हीनाजान। हीनाजान में क्या है कि वो जो पहली ट्रेडिशन को मानते थे, जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, जो पहली ट्रेडिशन को मानते थे, पुरानी ट्रेडिशन को मानते थे,
पुरानी परंपराओं को मानते थे उन्हें क्या बोलते थे, हीनजान। जिन्होंने नई परंपरा शुरू कर दी, सेवियर इमर्ज्ड वाली, सेवियर जो है बुद्धिदाता, मुक्तिदाता, किसी को मुक्ति दिलाएगा, तो वो क्या थी, महायान। इसको ध्यान से पढ़ना है, महायान क्या है और हीनजान क्या है, ये दो परंपराएं थी जो बुद्ध धर्म के बीच में थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक 10.2, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब हिंदू धर्म भी उसके साथ साथ, बौद्ध धर्म के साथ साथ, जो पौराणिक पहले हिंदू धर्म चला था वो भी इसके साथ साथ था। द नोशन ऑफ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। अब ये जो मुक्तिदाता वाली बात थी, जो महायान वाली बात थी, महाजान वाली परंपरा थी, जो ये सिर्फ बुद्ध धर्म के साथ ही थी, वी फाइंड इट अदर ट्रेडिशंस हिंदुइज्म। हम हिंदुइज्म में भी इसको देखते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति मुक्तिदाता, जिससे जैसे कहते हैं गुरु बनाना, गुरु बना के जो है, जो गुरु है वो दूसरे को मुक्ति दिला सकता है, ऐसी जो भावना है, जो हिंदू ऐसी परंपरा है, वो हिंदू धर्म में भी थी। हिंदू धर्म की दो ट्रेडिशंस है, हम आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे आगे भी, वैष्णविज्म जो विष्णु की पूजा करते थे, शैविज्म जो शिव भगवान की पूजा करते थे। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुलाइज्ड। इस वाली पूजा में क्या होता था, जो विष्णु की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, इसमें क्या था, डिवोटी, डिवोटी एंड द गॉड, दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड, एक वर्शिप का बॉन्ड होता था, आपस में बंधन होता था एक तरह का, विजुलाइज, वन ऑफ लव, डिवोशन और भक्ति। इसको क्या बोलते थे, ये भक्ति कहते थे इसको, जहाँ ईश्वर के बीच और एक प्यार का, प्रेम का और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिसे अब हम कहते हैं भक्ति क्या होती है, भक्ति मीन्स द वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड, जो गॉड और डिवोटी के बीच में बॉन्ड है, जो रिश्ता आपस में बना हुआ, लव का रिश्ता या डिवोशन का रिश्ता, दैट इज कॉल्ड भक्ति, इसे भक्ति कहते हैं। इन केस ऑफ वैष्णिज्म, कल्ट डिवेलप्ड अराउंड वेरियस अवतार्स एंड इनकारनेशन ऑफ डाइटी। ये जो वैष्णिज्म है, जो विष्णु की पूजा करने वाले हैं, वो कई ऐसे जो विष्णु की जो अवतार हुए हैं, जैसे हम जानते हैं 10 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, मत्स्य अवतार हुए, सबसे पहले कुर्म अवतार हुआ, कश्यप अवतार, ब्रह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम का अवतार और कृष्ण, कृष्ण कृष्ण के बाद फिर बुद्ध का अवतार, बुद्ध के बाद फिर आप कहते हैं कि कलयुग में एक अवतार और होंगे विष्णु के, जिनका नाम क्या होगा, कलिक होगा। तो इन सारे अवतारों की जो पूजा करनी है, ये क्या है, वैष्णिज्म है, जिसमें डैटी की पूजा की जाती है, डैटी मीन्स उस मूर्ति, उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। शैविज्म, वर्शिप ऑफ शिव दैट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई लिंगा। शिव की पूजा में क्या होता है कि शिव की पूजा में एक लिंग की पूजा की जाती है, Although he was occasionally represented in the human form, और उनकी मूर्ति भी है, ह्यूमन फॉर्म में मूर्ति भी है और उनकी लिंग में पूजा भी की जाती है। ये दो धर्म और साथ साथ दो परंपराएं हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म और हमने जैनिज्म, तीन किए। अब हमने बुद्ध बुद्ध धर्म के साथ जो रिलेटेड स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां उनकी हमने रीडिंग की थी, उनकी स्टडी की थी कि जो सांची में मूर्तियां बनी हैं वो बुद्ध बौद्ध धर्म के साथ संबंधित है। अब ऐसे ही बिल्डिंग टेम्पल्स, जैसे उसमें सांची का स्तूप बना, उसी समय में क्या थे, मंदिर भी बन रहे थे अपने अपने गॉड और गॉडेस को रखने के लिए, उनकी उनका स्थान वो बनाने के लिए, देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए जाने लगे। स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म। जैसे ही वैष्णविज्म और शैविज्म का उदय होने लगा, उसके साथ मूर्तिकला और वास्तुकला, वास्तुकला मीन्स मंदिरों का बनाया जाना, मूर्तिकला मीन्स बीच में मूर्तियाँ जो लगाई जाती हैं, जो उसके ऊपर बनाई जाती हैं मूर्तियाँ, उनको बोलते हैं मूर्तिकला और वास्तुकला, उसके बारे में जानकारी कि कैसे बनी। एज एट दैट टाइम द स्तूपज एट साइट सच एज सांची वर बींग बिल्ट। जिस समय स्तूपा बन रहे थे सांची में, जहाँ बैरोहत में, जहाँ सारनाथ में जो बन रहे थे, उसी समय पे द फर्स्ट टेम्पल टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर आल्सो बीइंग बिल्ट। उसी समय भी पहले मंदिर जो जिन पे जहाँ पे भगवान की मूर्तियां रखी जाएंगी, देवताओं और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी, ऐसे मंदिर बनने भी शुरू हो गए। अब इसके लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उस समय के मंदिरों की स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की क्या क्या विशेषताएं, मंदिरों की क्या खास विशेषताएं थी उस समय जो मंदिर बने। द अर्ली टेम्पल्स वॉज अ स्क्वेयर रूम। जब शुरू में मंदिर बने तो वो एक स्क्वेयर रूम की तरह होते थे, छोटा सा स्क्वेयर रूम बनाया जाता था, कॉल्ड द गर्भगृह, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह मीन जिसमें उसमें मूर्ति, छोटा सा मंदिर अंदर की तरफ बना होता था, विद अ सिंगल डोर टू एंटर फॉर द वर्शिपर्स एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज, जिसमें एक ही दरवाजा होता था जिसमें पूजा करने वाला अंदर जाता था और वो जाके मूर्ति की पूजा करता था गर्भगृह के अंदर। सबसे मेन बात है कि गर्भगृह वाला छोटा सा रूम होता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होने लगा, ए टॉल स्ट्रक्चर नोन एज शिखर,
वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। जो नीचे वाला छोटा गर्भगृह होता था उसके ऊपर धीरे धीरे लंबा सारा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, एक बड़ा ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे क्या कहने लगे, शिखर कहा कहा जिसे शिखर कहा जाने लगा। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। जो मंदिर की दीवारें होती थी वो मूर्तियों के साथ सजाई जाती थी, तरह तरह की मूर्तियां उसके ऊपर बनाई जाती थी। लेटर टेम्पल्स बिकेम मोर एलेबोरेट। और धीरे धीरे जो मंदिर है वो बहुत मंदिरों का काफी विकास हो गया, स्थापत्य कला का ज्यादा विकास होने लगा। विकास में क्या क्या हुआ, विद असेंबली हॉल, उसमें क्या हुआ, एक विशाल सभा स्थल बन गया, ऊंची ऊंची दीवारें और ऊंचे बड़े बड़े गेट लग गए, एंड अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाई वाटर। और उन मंदिरों में पानी के सप्लाई का भी काम प्रबंध किया जाने लगा, वाटर सप्लाई भी उन मंदिरों में प्रोवाइड की जाने लगी। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, जो अर्ली टेम्पल्स की, जो हमें 600 BCE से लेकर 600 CE तक बने जो टेम्पल्स, उनकी विशेषताएं की थी, दैट सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट ऑफ अ ह्यूज रॉक्स, कि इनको बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर, बड़ी बड़ी पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर अंदर से खाली करके, हॉलो करके, मैं खोखला करके, खोखला करके एज आर्टिफिशियल केव्स, जैसे कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम गुफाएं होती हैं, उस रूप में मंदिर बनाए जाते थे। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वॉज एन ओल्ड वन। जो इसको आर्टिफिशियल केव्स बनाने की जो कला थी, जो बिल्डिंग बनाने की कला थी, ये बहुत पुरानी परंपरा थी। इवन इन द 3rd century BCE, इवन तीसरी शताब्दी में, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अशोका फॉर द रिनाउंसर्स। रिनाउंसर्स क्या होता है, जिन्होंने अपने घर त्याग दिए हों, संत होते हैं जो, उन्हें बोलते हैं रिनाउंसर। तो उन्होंने क्या, उनके ऑर्डर पर, अशोक के ऑर्डर पर, उन संतों के लिए ये क्या बनाई गई, गुफा वाले गुफाएं बनाई गई। हु बिलोंग टू द आजीविका सेक्ट, कौन से सेक्ट के साथ संबंधित थे वो, आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए ऐसी जो गुफाएं थी वो बनाई गई थी, किसके ऑर्डर पर, अशोक के ऑर्डर पर। इन 8th century, इन द कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल दैट ऑफ कैलाशनाथ, इसकी एक एग्जाम्पल है, जो 8वीं शताब्दी में बना, वो कौन सा था, एक एक चट्टान को काट के जो मंदिर बनाया गया वो कैलाशनाथ मंदिर, जो कि शिव का नाम है कैलाशनाथ, उनका एक टेम्पल बनाया गया। इलोरा टेम्पल्स, और एग्जाम्पल एक और है, इलोरा टेम्पल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट टेम्पल्स। इलोरा टेम्पल्स है वो भी एक चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे हमें अभिलेख मिला कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ, रिकॉर्ड्स द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्पचर स्कल्प्टर, जो मूर्तिकार था, जो प्रमुख मूर्तिकार था वहाँ पे, आफ्टर ही कंप्लीट द टेम्पल, जब उसने एलोरा टेम्पल टेम्पल फिनिश किया, बना लिया, खत्म कर लिया, उसको तैयार कर दिया, एट एलोरा ही सेड, ओ हाउ डिड आई मेक इट, कितना सुंदर टेंपल, एक गुफा को, एक रॉक को काटकर मैंने बनाया, ये कितना सुंदर बना, ये हाउ आई डिड मेक इट, मैंने इसे कैसे बनाया। तो इसे जो ये इसकी विशेषताएं, ये अलग से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है कि वैष्णव साथ के साथ, वैष्णिज्म और शैविज्म के साथ जुड़ी मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में, उसके विकास के बारे में लिखे। ये दोनों क्वेश्चन आंसर एक ही है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि उस समय की मंदिरों की विशेषताएं क्या थी, अर्ली टेम्पल्स की विशेषताएं क्या थी, जहाँ शैववाद और विष्णुवाद के साथ, वैष्णववाद के साथ जो टेम्पल थे उनका विकास कैसे हुआ। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, नाउ वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, मैप क्वेश्चन, दैट इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन, व्हेन आई विल स्टार्ट, इन द स्टार्ट आई विल डू द मैप, मैप करूंगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बच्चे ध्यान रखो अपना।